ऑल राइट, सो ये ट्रेनिंग वीडियो है जिसमें कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे लास्ट 10 डेज़ में, बेसिकली 8 डेज़ में, हम लोगों ने 2 करोड़ 34 लाख रुपीज़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट करा है, एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट वी डिड, और उसमें कैसे कैसे हम लोगों ने उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आए, कैसे प्रोडक्ट को बनाया, सारी की सारी चीज़ें. एंड आई एम गोना इंश्योर कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, सो दैट Whenever you try to do something similar, whenever you try to launch a product, आप कभी कुछ नया product बनाने की सोचोगे या फिर इस market में आने की सोचोगे तो आपको उससे help मिलेगी. At the same time, you will also get to know, आपको एक नया business model का पता चलेगा, जिन लोगों को इसके बारे में idea नहीं है, that ये भी exist करता है and this is something which is a really huge business model, okay? तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये screen दिखाता हूँ हमारी. So If you will notice, ये हमारा 2nd फरवरी से, अभी 14 फरवरी को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 2nd फरवरी से 14 फरवरी ये हमारा $3,34,000 का रेवेन्यू हुआ था. इसमें अगर मैं मेन डेट्स पे जाऊँ तो 2 तारीख से लेके हमारा 10 तारीख तक का मान लेते हैं, तो ये हमारा मेजर सेल का पोर्शन था जिसमें कि हमारा $3,23,000 के आसपास का रेवेन्यू हुआ था, राइट राइट ओवर हियर. सो बेसिकली पहली चीज़ तो प्रोडक्ट हमारा ये था मार्केट पर, सो ठीक है, कैसे ये आइडिया में आया, कैसे इसके सारी चीज़ें हुई. सो अल्टीमेटली दिस इंडस्ट्री जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, दिस इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट लॉन्च इंडस्ट्री, इसे हम प्रोडक्ट लॉन्च इंडस्ट्री कहते हैं. एंड वी लॉन्च इन सॉफ्टवेयर्स या फिर ट्रेनिंग्स इन द इंटरनेशनल मार्केट, जिसमें कि बहुत सारे जो बिजनेस ओनर्स हैं, दे लाइक टू परचेज दिस प्रोडक्ट, दे लाइक टू परचेज दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स एंड ऑल, जिससे कि उनको अपने बिजनेस में हेल्प मिलेगी. सो बेसिकली आई मेंटोर पीपल इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग देयर रेवेन्यू ऑनलाइन. और ये हमारा सॉफ्टवेयर था, एक प्लेटफॉर्म था जो कि हमने कस्टमर्स को दिया था. पहली चीज़ तो आपको ये बता देता हूँ कि ये है क्या चीज़, ओके, इट इज़ लाइक अ प्राइवेट मार्केट प्लेस. तो जितने भी हमारे फ्रीलांसर्स हैं या सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे कि कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग सर्विसेज देता है, या फिर कोई वीडियो एडिटिंग सर्विस देता है, वीडियो मार्केटिंग सर्विस देता है, या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो, या फिर आप चैटबॉट प्रोवाइड करते हो, चैटबॉट सर्विस देते हो, लैंडिंग पेज क्रिएशन सर्विस देते हो, वॉइस ओवर सर्विस देते हो, या फिर आप लोकल बिजनेसेस को सर्विस प्रोवाइड करते हो, एनी काइंड ऑफ सर्विस जो कि एग्जिस्ट कर सकती है इस प्लैनेट के अंदर, उन सब के लिए हम लोगों ने एक प्राइवेट मार्केट प्लेस बनाया. ये आइडिया आया कहाँ से? आप लोगों में से कुछ लोगों को आइडिया होगा दैट मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि मुझसे फेसबुक एड्स चलाना सीखते हैं, फेसबुक एड्स पे मार्केटिंग करना सीखते हैं फेसबुक एड्स के थ्रू, एंड हाउ टू ग्रो अ बिजनेस यूजिंग फेसबुक एड्स. सो दे लर्न दैट थिंग फ्रॉम मी. तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं उनको एक प्लेटफॉर्म बना के दूँ अपने स्टूडेंट्स को, जिससे कि वो अपने क्लाइंट्स को जब रीच आउट करें, सो they will have a better looking portfolio, their own marketplace, their own profile page, their own pricing, their own branding, everything would be there. So ultimately hota kya hai, when you reach out to clients, agar aap mein se koi service industry mein hai to aap logo ko naya project milta kyun nahi hai? Wo isliye nahi milta hai kyunki aapko wo trust factor nahi aa pata hai naye client ko aapke upar ya ek naye seller ke upar ki yaar ये एक्चुअल में ट्रस्टवर्दी होगा भी कि नहीं होगा, राइट? सो दैट इज़ दी ट्रस्ट फैक्टर जो कि क्लाइंट के दिमाग में नहीं आता है. एंड नाउ व्हेन यू रीच आउट टू देम, अगर थोड़ा बहुत ट्रस्ट फैक्टर आपने जनरेट कर भी लिया तो भी वो फर्स्ट टाइम पे आपके साथ एक हाई अमाउंट पे प्रोजेक्ट करने में थोड़ा सा घबराएंगे, राइट? नाउ विद द हेल्प ऑफ योर ओन मार्केट प्लेस, व्हाट इट डज इज इट मेक्स यू लुक लाइक एन अथॉरिटी. आपको एक अथॉरिटी जैसा ये फील देता है, आपके ओन ब्रांडेड मार्केट प्लेस है. मैं इसका एक यहाँ पे एक मार्केट प्लेस यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, सो दैट इट गिव्स यू एन आइडिया. ओके, वन सेकेंड. सो इस तरीके का आपका अपना खुद का होम पेज होगा, अपनी ब्रांडिंग वाली, अपनी यहाँ पे हेडर इमेज डाल सकते हो, अपना योर ओन कैटेगरी, योर ओन डिस्क्रिप्शन, योर कस्टमर टेस्टिमोनियल्स, आपकी खुद की सर्विसेज, एवरीथिंग लिस्टेड ओवर हियर, राइट? सो दिस इज द काइंड ऑफ प्रोडक्ट दैट वी मेड, एंड दिस यू कैन डू फॉर योर ओन ब्रांड. सो बेसिकली यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन पब्लिक मार्केट प्लेसेज लाइक फाइवर, अपवर्क, जहाँ पे कि वो भी मार्केट प्लेसेज है लेकिन वो पब्लिक है, वहाँ पे कोई भी जा सकता है.
यहाँ पे ये आपके खुद के लिए. सो बेसिकली फर्स्ट चीज़ जो है, जब आप एक प्रोडक्ट बनाते हो, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके का प्रोडक्ट मार्केट में आके हम लोग लेके आ सकते हैं जिसकी की डिमांड होगी. सो हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं, बहुत सारे जो फ्रीलांसर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है. आज तक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है. एक जो है वो फाइबर अपवर्क है, लेकिन वो पब्लिक है, वो उनका खुद का नहीं है. एंड देयर आर सो मेनी डिसएडवांटेजेस जब आप उनके प्लेटफॉर्म पे सेल करते हो. सो अल्टीमेटली वी फाउंड अ स्पेस इन द मार्केट कि ऐसा उनको कुछ दे सकते हैं. तो आइडिया की शुरुआत हुई थी फेसबुक ऐड के प्लेटफॉर्म से, कि फेसबुक ऐड का प्लेटफॉर्म बना के देते हैं जहाँ पे लोग अपना फेसबुक ऐड की सर्विसेज पिच कर सकते हैं. बट देन इट ग्रू टू समथिंग मच बिगर कि ये इसमें हम लोग हर तरीके के सेलर्स को लेके आ सकते हैं. एंड देन अच्छा दूसरी चीज़, एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए एक पार्टनरशिप का होना बहुत ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन हाँ इट इज़ समथिंग. इफ़ यू गो इन टू द पार्टनरशिप मोड, सो मेक श्योर कि जो आपका पार्टनर हो वो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल आपके साथ लेके आए. सो इन माई केस फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ मार्केटर, बट अब मेरे साथ जो इस प्रोजेक्ट में जो पार्टनर हैं कार्तिक रमनी, जिनकी पूरी टीम ने इस प्रोजेक्ट को डेवलप करा है, माई जॉब वॉज मार्केटिंग. ओके, कार्तिक रमानी की जो पूरी टीम है, उनकी पूरी टीम ने डेवलप करा है, दे आर बेस्ड इन चेन्नई, और पूरा डेवलपमेंट स्क्रैच से लेके पूरा उन्होंने हैंडल करा था. तो दे हैव अ अमेजिंग टीम ओवर देयर. सो हम लोगों का आपस में डिस्कशन हुआ था. सो आई ब्रॉट द मार्केटिंग साइड इनटू द इक्वेशन, ही ब्रॉट द डेवलपमेंट साइड इनटू द इक्वेशन, एंड दैट इज़ हाउ द पार्टनरशिप बिगैन. तो इस तरीके से हम लोगों ने पार्टनरशिप करा. राइट नाउ अगेन आपके ऊपर है कि आप सोल हैंडेडली जाते हो या पार्टनरशिप के साथ जाते हो, वो आपके ऊपर है. लेकिन आई वॉज जस्ट गिविंग यू अर आइडिया कि अगर आप कभी भी पार्टनरशिप करते हो तो मेक श्योर कि योर पार्टनर इज नॉट, यू डोंट चूज योर पार्टनर विद रिस्पेक्ट टू योर यू नो फ्रेंडशिप कि बेस्ट फ्रेंड है. नहीं, पार्टनर उसे चूज करना जो कि कॉम्प्लीमेंट्री स्किल लेके आए. ओके, सो दैट इज वन पार्ट. नाउ हम लोगों ने जब इस प्रोजेक्ट को बनाया, उसके बाद हमें इसकी मार्केटिंग करनी थी. तो अब इसमें होता क्या है ना कि हमारा लॉन्च कैलेंडर लिस्टिंग होती है manchai.com पे. ठीक है, manchai.com, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ. तो यहाँ पे हम लोग अपना प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं. देन वी मेक JV पेज, ठीक है, विच वी कॉल एज अ जॉइंट वेंचर पेज, वो मैं आपको दिखा देता हूँ. सो दिस इज़ अ जॉइंट वेंचर पेज. ठीक है, तो marketpaiso.com/JV. अब इसमें हम लोग अपने एफिलिएट्स को इनवाइट करते हैं कि हमारा एक अपकमिंग लॉन्च आ रहा है, हमारा एक अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहा है जो कि हम स्पेशल लॉन्च कर रहे हैं. तो स्पेशल लॉन्च में हम लोग प्राइसिंग एक डिस्काउंटेड अमाउंट पे देते हैं, आगे जाके वो प्राइसिंग बढ़ जाती है. राइट, तो एक स्पेशल 7 डेज़ का पीरियड होता है जिसमें कि हम एफिलेट्स को बोलते हैं कि आप इस 7 डेज़ के पीरियड में प्रमोट करो, आपको एफिलेट कमीशन हम लोग देंगे. एट द सेम टाइम जो कस्टमर्स हैं उनको भी डिस्काउंटेड अमाउंट में मिलेगा. सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ लॉन्च. ओके, तो इस लॉन्च की जो लिस्टिंग है हम लोग manchai.com पे करते हैं, और इस लिस्टिंग होने के बाद हम लोग उनके पास लेके जाते हैं हमारा JV पेज. दैट दिस इज़ आर JV पेज, और इसमें हमारे प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स हैं, हमारे प्रोजेक्ट के बारे में पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन है कि क्या प्रोजेक्ट है एंड ऑल दैट, और एफिलेट्स को प्रमोट करके क्या फ़ायदा होएगा. तो वो सारी की सारी डिटेल्स हम लोग इसके अंदर डालते हैं. सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप व्हेन वी रीच आउट टू द एफिलेट्स. ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप. नाउ आफ्टर रीचिंग आउट टू द एफिलेट्स, आफ्टर मेकिंग देम अवेयर अबाउट अ प्रोजेक्ट, अब उसके बाद क्या है, हमारी लॉन्च की डेट डिसाइड हो चुकी है. हमारी 2 फरवरी की लॉन्च की डेट थी. इस प्रोजेक्ट पे डेवलपमेंट हमारा मई में होना शुरू हो गया था, जून ऑनवर्ड्स होना शुरू हो गया था, और इसका मार्केटिंग मटेरियल हमने दिसंबर ऑनवर्ड्स रेडी करना शुरू कर दिया था. तो उसके बाद दैट वाज माय पार्ट. तो वहाँ पे फिर आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दी सेल्स पेजेस, ऑन दी सेल्स वीडियोस, ऑन दी मार्केटिंग मटेरियल, जो भी हमें बोनस बनाने होते हैं, बोनसेस बनाने होते हैं, बोनस पेजेस बनाने होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ. ठीक है, तो ये हमारा सेल्स पेज था जिस पे हमने काम करा था. एंड अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो सेल्स पेज हम लोगों ने बनाया था, और ये जो भी हमने सेल्स मटेरियल हम लोगों ने बनाया था, ठीक है, ये पूरा का पूरा सेल्स मटेरियल आउटसोर्स हुआ था. मतलब ये पूरा का पूरा सेल्स मटेरियल ऐसा नहीं था कि हम लोगों ने, मैंने खुद बैठ के ये पूरा बना रहा हूँ, नहीं, पूरा का पूरा आउटसोर्स किया था. माय जॉब वाज कॉपी राइटिंग टू कम अप विद द आइडिया एंड ऑल द मार्केटिंग आइडियाज. सो इसका जो पूरा पेज का कॉपी राइटिंग था वो मैंने करा था. राइट, कॉपी राइटिंग आप समझते हो, कॉपी राइटिंग इज ये जो वर्ड्स आपको यहाँ पे सेल्स पेज पे दिख रहे हैं, राइट, ऑल दीज वर्ड्स, दिस हेडलाइन, ऑल दिस कॉन्टेंट. तो मेरा काम था इस पेज की पूरी कॉपी राइटिंग करना. राइट,
उसके बाद ये कॉपी राइटिंग होने के बाद फिर हम लोग इसे डिज़ाइनर को दे देते हैं, और फिर वो जो डिज़ाइनर है वो डिज़ाइनर इसको उसको बना के देता है, राइट। एंड एट द सेम टाइम वी गिव देम आइडियाज़ कि इसको ऐसा बनाना, ऐसा बनाना, यहाँ पे हेडलाइन को ऐसे दिखाना, एंड देन वी डू मोर ऑप्टिमाइजेशन। सो बेसिकली दिस कॉपी राइटिंग इज़ द थिंग जिसमें कि सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। इट टुक मी ऑलमोस्ट 3 वीक्स, 15 to 20 डेज का टाइम लगा था। मैं अकेला जाके एक रूम में बैठा था सुबह से लेकर रात तक, एंड दैट इज़ वेयर आई यूज़ टू डू कॉपी राइटिंग्स। जो हमारे 5 प्रोडक्ट्स बनते हैं बेसिकली, ये क्या होता है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। तो हमारे 5 प्रोडक्ट्स बनते हैं बेसिकली, और एक प्रोडक्ट को हम लोग 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो उसकी पूरी की पूरी 5 सेल्स पेजेस बनते हैं, 5 सेल्स वीडियोस की कॉपी राइटिंग होती है। उसके बाद जब वो सेल्स वीडियो की कॉपी राइटिंग हो गई है, फिर वो स्क्रिप्ट हम लोग US में भेजते हैं एक बंदे को, जो कि उसका वॉइस ओवर करके भेजता है, क्योंकि जो हमारी मेजर कस्टमर है वो हमारा US, UK, मतलब बेसिकली वेस्टर्न जोन से है। सो अल्टीमेटली जो एक्सेंट है हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा। हम लोग इंडियन एक्सेंट में बोलते हैं, अगर खुद से वॉइस ओवर करेंगे तो डैट विल बिकम अ प्रॉब्लम। तो हम लोग वहाँ से एक वॉइस ओवर कराते हैं। उसके बाद यहाँ पे रेशु सिंगल की अपनी प्रोफेशनल वीडियो की टीम है, तो उसके बाद वी गेव द प्रोजेक्ट टू हर। सेल्स वीडियोज़ 5 प्रोडक्ट के वो रेडी करेगी, राइट, एंड देन शी केम अप विद द अमेजिंग सेल्स वीडियोज़। सो अगेन जो पूरा काम था उसे आउटसोर्स किया गया, स्पेशलिस्ट सेल्स बंदों को, सॉरी सेल्स पेज के बंदों को उनका काम दिया, अमित वर्मा, तेजेंद्र को उनका काम दिया, रेशु वॉज डूइंग दैट, सिद्धांत वॉज हेल्पिंग इन टर्म्स ऑफ डूइंग सम ट्वीक्स इन द लुक ऑफ द मार्केट प्लेस। सो एवरीबडी स्पेशलाइज इन देयर वर्क, दे वर डूइंग देयर जॉब, राइट। कपिल इन माई टीम, ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ गूगल एड्स, ई मार्केटिंग, एंड पूरी की पूरी टीम हमारी यहाँ पे बैठ के, जितने यहाँ पे बंदे थे, कपिल, किरण, दीप, निरज, भूषण, ऑल दोज पीपल, दे आर वर्किंग द मार्केट प्लेसेज। देन द स्पेशलिस्ट टीम इन चेन्नई वॉज डूइंग द डेवलपमेंट। तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट को आगे लेके गए, राइट। तो ये हमारे सेल्स पेजेस बने। उसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग अपना एक इस तरीके का JV डॉग बनाते हैं, राइट। तो ये JV डॉग क्या होता है, दिस सिंप्लीफाइज द कंप्लीट डिटेल्स इन फ्रंट ऑफ द एफिलिएट्स। तो एफिलिएट्स के लिए बेसिकली हमें सब कुछ बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में देना होता है। तो बेसिकली अगर वो प्रमोट कर रहे हैं, अब उन्हें प्रमोट करने के लिए एड्स चाहिए, तो हम ये नहीं बोलेंगे उन्हें कि जाके एड्स बना लो, हम ये करेंगे कि हम उन्हें एड्स खुद से बना के देंगे। वी वॉन्ट टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल फॉर देम, ओके। उसके बाद जब एड्स बना के देने के बाद ईमेल स्वाइप्स, जो ईमेल वो अपने कस्टमर्स को भेजेंगे, अब हम ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि वो खुद से अपना ईमेल टाइप करेंगे, कई लोग करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज़ आर ड्यूटी कि हम उन्हें ईमेल भी लिखे लिखाई देंगे, एंड नॉट जस्ट थोड़े बड़े, एटलीस्ट 20 ईमेल्स हम लोगों ने उन्हें लिख के दिए थे, ठीक है। तो अर्चना, शी डिड एन अमेजिंग जॉब इन राइटिंग ऑल दोज ईमेल्स। तो हम लोगों ने ईमेल उन्हें लिख के दिए, हम लोगों ने उन्हें बॉक्स शॉट से लेके, ग्राफिक्स से लेके, एड से लेके, सब कुछ पूरा बना बनाया दिया। ये JV डॉक है हमारा, इसमें हमने सारी की सारी डिटेल्स डाली। सारे एफिलेट से हमने ऑन अ डेली बेसिस कम्युनिकेशन करा कि कैसे आपके कस्टमर्स के लिए ये जो प्रोडक्ट है वो अच्छा फिट हो सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे जो कस्टमर्स हैं वो फेसबुक एड्स रिलेटेड हैं, तो मैं उनको जो जिस एंगल से पिच करूंगा दैट वुड बी रिलेटेड टू फेसबुक एड्स, कि फेसबुक एड्स की सर्विसेज आप कैसे लेके जा सकते हो। कई लोगों के जो कस्टमर्स हैं वो वॉइस ओवर सर्विसेज देते हैं, तो वो उस एंगल से पुश करेंगे। सो वी हैड टू गेट इन टच विद ऑल दी एफिलेट्स, ऑलमोस्ट 500 से ज़्यादा एफिलेट्स को हम लोगों ने रीच आउट करा 1-to-1। और जब हम एफिलेट्स को रीच आउट करते हैं तो एक और चीज़ आप समझो कि वो बंदा वहाँ पे हमारा वेट नहीं कर रहा, ठीक है, वो अपना कुछ काम कर रहा है, अपनी लाइफ में बिजी है, अपने वेकेशन मोड पे कुछ भी कर रहा है, देन उसके रिप्लाई के आने का वेट होता है। उसके बाद कई लोग डेट दे देते हैं कि अभी मैं इस समय पर बिजी हूँ, इस समय पर बात करते हैं। तो वी हैव टू रीच आउट टू देम, वी हैव टू कीप नोट ऑफ ऑल दी डेट्स एंड एवरीथिंग, एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर अवेलेबल एवरी सिंगल टाइम, राइट। मैंने अभी जो राहुल भैया के साथ वीडियो करा था उसमें मैंने बताया भी था कि जो हमारा एफिलेट था जो 10th पोजीशन पर था लीडरबोर्ड पर, ही डिड अराउंड $6,000-$7,000। उसका मैसेज मेरे को 4th दिन की रात को 3:30 बजे आया था। अब आप सोचो अगर मैं उस समय सो रहा होता कि लॉन्च अच्छा जा रहा है सब कुछ, पहले दिन में हमारा $100,000 $70,00,000 का रेवेन्यू हो गया था, अब अगर आप ढील दे दोगे तो फिर काम नहीं होएगा, राइट। सो अगेन कंटिन्यूस इंटेंस वर्क ऑफ मोर देन 2-2.5 मंथ्स, राइट। इसमें बहुत सारी चीज़ें और हैं जो कि मैं आपको इनसाइट्स के साथ दिखा सकता हूँ। फॉर द सेम पर्पज़ वी आर डूइंग अ वेबिनार, उसका लिंक मैंने नीचे डाला है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसमें जाओ,
The webinar is on 18th of February. So basically, if you are watching this video before 18th of February 2020, so you will find the link over here. Aap jao, register karo. Us webinar mein, I will show you each and everything with detail. Abhi main aapko sirf overview de raha hun. Wahan pe you will be able to interact with me personally. मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर भी कर सकता हूँ, मैं आपको सारी चीज़ें मोर इनसाइट्स के साथ दिखा भी सकता हूँ, राइट. बहुत सारी चीज़ें हैं. फॉर एग्जांपल, ये एड्स हम लोगों ने रन करे थे, ये हमने एड्स रन करे थे एफिलेट्स के लिए. ओके, ये एड्स रन करे थे एफिलेट्स के लिए कि एफिलेट्स को हम लोग अपना प्रोजेक्ट दिखाते रहे. फिर उसके बाद ये वाले जो एड्स हैं, ये हमने रन करे थे कस्टमर्स के लिए कि कस्टमर्स को हम लोग दिखाएं. आप देखोगे अगर तो 330 सेल्स यहाँ पे आई हैं जस्ट बाई रीटारगेटिंग. अगर आप रीटारगेटिंग नहीं समझते हो तो बेसिकली फेसबुक पे आप उन लोगों को एड्स दिखा सकते हो जो आपके सेल्स पेज पे आए और उन्होंने बाय नहीं करा. तो यहाँ पे ये रीटारगेटिंग चल रही थी, 330 सेल यहाँ पे आई है और 45 सेल इस वाले कैंपेन से आई है, 41 सेल इस वाले कैंपेन से आई है. सो अल्टीमेटली ये सारी की सारी चीज़ें टैंडम में वर्क करना, तो पूरा का पूरा मैनेजमेंट करना, तो दिस इज़ हाउ ऑल द थिंग्स वर्क, राइट. सो अल्टीमेटली इफ आई गिव यू अ क्विक रीकैप, तो बेसिकली आपका प्रोडक्ट पहले उसका आइडिया पे आप वर्क करो, और आइडिया ऐसा होना चाहिए जो कि कस्टमर्स की डिमांड में हो, जो कि कस्टमर्स की नीड में हो, राइट. अब उस आइडिया तक कैसे पहुँचे, मैं आपको देखो इस वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकता. तो अगेन, लेट्स कम टू द वेबिनार, लेट मी शो यू एवरीथिंग इन द वेबिनार, राइट. सो आई एम शेयरिंग द लिंक ओवर हियर. सो उस आइडिया तक कैसे पहुँचे, अगर आप लोगों को आइडिया में हेल्प चाहिए तो मैं आपको उसमें भी गाइड करता हूँ, राइट. आइडिया बनाने के बाद प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करो एक डेवलपमेंट टीम के साथ. अगर कोचिंग प्रोग्राम है तो ऑब्वियसली आप कैमरा लेके खड़े हो जाओ, लेकिन अगर एक डेवलपमेंट चाहिए तो डेवलपमेंट टीम के साथ उसे डेवलप करो. उसके बाद उसका मनचाहे पे लिस्टिंग करते हैं, उसके बाद एफिलेट्स को रीच आउट करना शुरू करते हैं, अपना सेल्स मटेरियल पूरा रेडी करते हैं, उसकी कॉपी राइटिंग करते हैं, सेल्स मटेरियल पूरा रेडी करते हैं, एंड रेगुलरली कम्युनिकेशन करना है अपने जेवीज के साथ, एफिलेट्स के साथ, बी अवेलेबल एंड मेक इट ईजियर फॉर देम टू प्रमोट योर प्रोडक्ट, मेक इट एज मच ईजियर एज यू कैन. प्राइजेस डालते हैं हम लोग बीच में, हमने $30,000 नो मिनिमम के प्राइजेस डाले थे, और नो मिनिमम का मतलब है कि $30,000 तो हम देंगे ही देंगे, 20 लाख रुपए के प्राइजेस हम देंगे ही देंगे. सो इन अ बिजनेस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा. हर बिजनेस की अपनी अलग रिक्वायरमेंट होती है, राइट. इफ़ यू आर कमिंग इन टू दिस मार्केट तो मैं आपको इसका आइडिया दे रहा हूँ, लेकिन इफ़ यू आर इन टू एनी मार्केट, मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस कि आपको अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट तो रिक्वायर्ड होगा ही होगा. कई लोग मेरे पे आते हैं कि सर बिजनेस कैसे स्टार्ट करूँ विदाउट इन्वेस्टमेंट. ठीक है, चीज़ें होंगी, लेकिन उसके बाद आपको ग्रो करने के लिए इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा ना. हमारे साथ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारा कोई भी एडिशनल एक्सपेंस नहीं है. मतलब जैसे होता है ना फालतू के खर्चे, तो शॉपिंग का शौक है नहीं, दारू पार्टी वगैरह इन सब चीज़ों का शौक है नहीं, तो जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सारा का सारा बिजनेस के अंदर जाता है. तो अल्टीमेटली एवरीथिंग गोज बैक इनटू बिजनेस. सो अल्टीमेटली होता क्या है कि व्हेनेवर द टाइम कम्स फॉर इन्वेस्टिंग इन बिजनेस, व्हेनेवर द टाइम कम्स फॉर ग्रोइंग द बिजनेस, सो वी हैव द कैपिटल फॉर दैट. एंड इवन दिस, यू नो व्हाट, अगर ऐसा नहीं भी है, अगर जब अभी जैसे कैपिटल है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन जब कैपिटल नहीं भी था तो भी रिस्क लेते थे, तो भी इन्वेस्टमेंट करते थे, लेके करते थे, लेकिन करते थे. सो दैट इज समथिंग विच इज सुपर इंपॉर्टेंट, राइट. तो अल्टीमेटली दिस इज ए ब्रीफ ओवरव्यू, राइट. अभी ये सारी की सारी चीज़ें 2 से 3 महीने के अंदर चली हैं, तो मैं 2 से 3 महीने का आपको एक पूरा ओवरव्यू बना के दे रहा हूँ. बट ऑल दीज थिंग्स वर रिपीटेड ऑन अ डेली बेसिस विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन. 3 महीने तक 18 घंटे रोज़ का काम हो रहा है, पूरी टीम काम कर रही है, एंड दैट इज़ हाउ यू सक्सीड इन अ बिजनेस, राइट. सो अल्टीमेटली सी, अगर मेरे वीडियोस में ना कई लोग परेशान हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि मैं सबको ये बोलता हूँ एफर्ट्स डालो. बाकी बहुत लोग वीडियोस वो देखना चाहते हैं कि बिना मेहनत के पैसे कैसे कमाएं. बस प्लीज़ ऐसे वीडियोस देखना बंद कर दो, क्योंकि वो चीज़ पॉसिबल नहीं है. आपको एक्चुअल में रेवेन्यू कमाना है, आपको मेहनत और एफर्ट तो डालने पड़ेंगे, ठीक है. सो अगेन आई विल टेल यू द राइट थिंग ऑल द टाइम. सो अगेन, सो दिस इज़ अ ब्रीफ ओवरव्यू, राइट. एंड रजिस्टर फॉर द वेबिनार, आई एम शेयरिंग द लिंक ओवर हियर इन द कॉमेंट्स. एंड 29th of May to 31st of May, 3 days, we are doing a mega event in Goa. Enrichment begins within 2, ठीक है. उसमें जो एंट्री प्राइस है वो बहुत कम है, 4,000 rupees का है. कुछ भी नहीं होगा तो मिनिमम टिकट प्राइस आप लेके वहाँ पे आओ, मैं उसका लिंक भी नीचे डालता हूँ, ठीक है. वहाँ पे हम लोग सारी चीज़ों का बहुत ही अच्छे डिटेल में बता रहे हैं, कैसे आप अपनी लाइफ को, अपने बिजनेस को
एक किक स्टार्ट दे सकते हो, 10x लेवल पे लेके जा सकते हो. दैट इज एन इवेंट विच इज इंडियाज बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशनल इवेंट. और वहाँ पे आप आओगे, आपको सारी चीज़ सीखने को मिलेंगी स्टेप बाय स्टेप. आप मिलके भी जाओगे और सारी चीज़ सीख के भी जाओगे. सो दैट इज समथिंग दैट आई विल हाईली रिकमेंड यू टू कम ओवर देयर एंड इन्वेस्ट इन योर सेल्फ. मैं अभी आपको यही बता रहा था कि हम लोग अपने बिजनेस में ग्रो इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस के ऊपर, और सब कुछ आपके सामने है, राइट. सिमिलरली इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, लर्न द थिंग्स, गैदर द नॉलेज, एक्वायर द नॉलेज, सो दैट वेन यू गो बैक यू आर एबल टू इम्प्लीमेंट इट. ठीक है, सो दिस इज वॉट यू नो, दिस इज द बेस्ट मैसेज दैट आई कैन शेयर विद यू. ओके, सो दिस इज द मार्केट पेसो लॉन्च ऑल अबाउट. मैं ये वीडियो भी इस टी शर्ट में पहन के बना रहा हूँ बाय द वे. ये टी शर्ट कितना 10 दिन तक मैंने उतारी नहीं थी. अभी ऑब्वियसली पिछले 2 दिन में मैंने उतार दी थी, लेकिन अभी इस वीडियो बनाने के लिए आई स्पेसिफिकली केम इन दिस टी शर्ट बिकॉज 1 फेब से लेके ऑलमोस्ट 10 फेब तक मैं एक ही टी शर्ट में काम चला रहा था. मतलब आप समझ रहे हो, घर में आए, खाना खाया, सो गए, उठ के ऑफिस भाग गए, नो टाइम टू इवन चेंज द टी शर्ट. सो इस इंटेंसिटी के साथ जब आप काम करते हो तब चीज़ें होती हैं. मैं अपने टीम मेम्बर्स के साथ एक इंसिडेंट शेयर कर रहा था. एक 7वें 8वें दिन की रात की बात है. आई वेंट टू अ लोकल टी शॉप, यहाँ पे एक लोकल चाय की शॉप थी, और वहाँ पे एक फेलो कस्टमर आ रखा था एंड ही लुक्ड एट मी. मैं वहीं पे खड़ा हुआ था एंड ही ऑर्डर्ड मी फॉर द टी शर्ट कि फॉर द टी कि वहाँ से जाके मेरे लिए चाय लेके आ जाओ. मतलब 8 दिन में ऐसी ख़राब हालत हो गई थी क्योंकि सिर्फ काम हो रहा था या फिर सिर्फ सो रहे थे, नथिंग एल्स. फूड का भी कोई ठिकाना नहीं था, नथिंग एल्स. तो एक ही टी शर्ट चल रही है, कोई ग्रूमिंग पे ध्यान नहीं है. क्यों? क्योंकि एक और सिर्फ एक फोकस था अपने काम पे. तो मैं अपने टीम वालों को यही बता रहा था कि बॉस, जितना ज़्यादा पुअर दिखते जाएंगे उतना ज़्यादा अपना रेवेन्यू ग्रो होता जाएगा. आई मीन इट वॉज अ पार्ट ऑफ फन, बट अगेन आई होप यू गॉट द मैसेज दैट वेन यू आर वर्किंग इट हैज़ टू बी रियली इंटेंस. यू कैनॉट जोक विद योर वर्क, राइट. वेन यू आर वर्किंग इट हैज़ टू बी रियली इंटेंस, यू कैनॉट जोक विद योर वर्क. बाकी आप अपनी लाइफ जो साथ में आप जी रहे हो आप जियो, राइट. बट अपने काम के साथ 100% ऑनेस्ट रहो. दैट इज द बिगेस्ट थिंग दैट एनी वन कैन टेल टू यू. ऑलराइट, सो दिस इज मी सौरभ भटनागर एंड आई होप यू लव दिस वीडियो, राइट. मैं कुछ और टैब्स जो मैंने ओपन करे हैं वो दिखा देता हूँ. ये हमारा सेल्स फनल टैब है. ये हमें लॉन्च के टाइम पे 3 फरवरी को JV जो ने प्रोडक्ट ऑफ द डे दिया था, विच इज़ द बिगेस्ट एफिलिएट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड. फिर उसके बाद 4 फरवरी को फिर दोबारा से दिया था. उसके बाद 8 फरवरी को दोबारा से दिया था. तो 7 डेज के लॉन्च में, 8 डेज के लॉन्च में 3 बार मिला था. और उसके बाद लास्ट डे हमें प्रोडक्ट ऑफ द डे नहीं मिला था, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे लिए ईमेल किया था अपने कस्टमर्स को, राइट. तो ये हमारा JV पेज, JV डॉक्स, एवरीथिंग इज ओवर हियर. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आस्क देम इन द कमेंट्स बिलो. आई विल ट्राई टू आंसर देम टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी, राइट. सो आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट्स बिलो. एंड यस, इफ़ यू लव दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना. अपने दोस्तों को नीचे टैग करो, शेयर करो. बिकॉज सी द ओनली रीजन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इज बिकॉज आई नो दैट इफ आई एम एबल टू डू इट, उसके बाद इफ आई एम एबल टू हेल्प सम अदर पर्सन टू डू इट, दैट विल बी समथिंग अमेजिंग. क्योंकि अगेन, अगर आप लोगों ने कभी भी मेरी जर्नी को फॉलो किया होगा सो आपको पता होगा कि हमारी लाइफ में कभी भी कोई मेंटोर नहीं था, कभी भी कोई मेंटोर नहीं था. तो कभी भी किसी ने कुछ भी गाइड नहीं करा है, तो सारी चीज़ें खुद से सीखी हैं. एंड दैट टू विदाउट बीइंग फ्रॉम मार्केटिंग या फिर टेक्निकल बैकग्राउंड. मेरा बैकग्राउंड BSc फिजिक्स ऑनर्स का है. सो अगेन, अगर सारी चीज़ें खुद से सीखी हैं तो सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा है. सो जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट आप लोगों के लिए थोड़ा ईजी हो जाए, बट अगेन एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे. ठीक है, चलो, ठीक है. थैंक यू सो मच. आई होप यू लव द वीडियो. शेयर करना, टैग करना, एंड थैंक यू सो मच. बाय बाय.